फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग अपना एक और नया टॉपिक करने वाले हैं जो कि है मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, देखो वैसे तो मैंने ये टॉपिक पहले भी कवर करवाया है जो एडवांस्ड माइक्रो इकोनॉमिक्स वाली प्लेलिस्ट है, लेकिन ये जो हम दोबारा कर रहे हैं ये हम यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के परस्पेक्टिव से कर रहे हैं, यानी कि हम थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे इसके अंदर। ठीक है, पहले हमने जो किया वो नॉर्मली थ्योरेटिकल पोर्शन ज्यादा किया था, तो आज हम लोग ये टॉपिक करने वाले हैं और उस हिसाब से करेंगे जो हमें यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल के लिए जरूरी है। इसलिए ये वाली जो वीडियो है वो यूपीएससी इकोनॉमिक्स ऑप्शनल वाली पेपर वन की प्लेलिस्ट में आपको मिलेगी। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग अपना अब वाला टॉपिक जो कि क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे तो ये देखो फॉर्मली हमारा थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन में तीन ही टॉपिक दिए, रिकार्डो, कैलकी और कैलेडोर की, लेकिन हमें ये भी एग्जाम में कई बार आई है और इन फ्यूचर भी आती है। ठीक है, तो हमें सिलेबस के अंदर डायरेक्टली गिवन तो नहीं है बट एग्जाम में आती है। ठीक है, तो हमें इसको करना है, ऑब्वियसली बात है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बेसिकली क्या बोलती है, ये बोलती है कि हमें जो लेबर है उसको वेजेस देनी है अकॉर्डिंग टू इट्स मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, हमें उसको उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेबर देनी है, यानी कि इसका मतलब क्या है कि जब हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं और मान लो जो हमने 10 लेबर लगाई है और हमें प्रोडक्शन जो है और हमें प्रोडक्शन हो रहा है मान लो 100 यूनिट्स का, और हमने अगर 11 लेबर कर दी तो प्रोडक्शन हमारा 110 का हो गया। तो एक लेबर एक्स्ट्रा लगाने से हमें 10 यूनिट का प्रोडक्शन में क्या हुआ, फायदा हुआ। ठीक है, तो ये एक लेबर का मार्जिनल प्रोडक्ट है। तो ये थ्योरी बताती है कि हमें एक लेबर को वेजेस देनी है उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग। अब इस मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू निकालो और उस लेबर को वेजेस दे दो। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, हम यहां पर क्या है, एक लेबर को वेजेस देंगे अकॉर्डिंग टू मार्जिनल प्रोडक्ट। ठीक है, अब ये मार्जिनल प्रोडक्ट है, ये तो यूनिट की फॉर्म में है, इसे हम क्या करेंगे, पैसों की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। वेजेस तो पैसों में दी जाती है, तो इसकी जो वैल्यू होगी, एक यूनिट हमारी जितने की सेल होती है उसकी जो वैल्यू होगी, ठीक है, 10 यूनिट है मान लो, एक यूनिट जो है वो 5 रुपए की है, तो 10 यूनिट कितने की हो जाएंगी हमारी, ठीक है, कितने की हो जाएंगी, प्राइस इंटू मार्जिन प्रोडक्ट। ठीक है, तो 10 यूनिट कितनी हो जाएंगी, 50 की। तो ये क्या हुआ, प्राइस इंटू मार्जिन प्रोडक्ट ऑफ लेबर, और इसको हम बोलते हैं वीएमपी, यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। ठीक है, तो वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग हम के इक्वल हम लोग वेजेस प्रोवाइड करते हैं इस थ्योरी में। ठीक है, ये बिल्कुल बेसिक्स है। अब हम इस थ्योरी की डिटेल में जाते हैं, स्टार्टिंग फ्रॉम दी अजम्पशंस से लेके बिल्कुल एंड तक हम इस थ्योरी को करने वाले हैं। ठीक है, बिल्कुल बेसिक सा बात यहाँ पर सिर्फ इतनी है कि एक एक यूनिट अगर आप लेबर लगा रहे हो तो आपके प्रोडक्शन में कुछ इंक्रीमेंट हुआ है। ठीक है, और एक यूनिट लेबर की लगाने से आपकी जितनी यूनिट से प्रोडक्शन बढ़ा है दैट इज योर मार्जिनल प्रोडक्ट, और आप उस मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग लेबर को वेजेस दोगे। अब वो मार्जिनल प्रोडक्ट जितने रुपए का है उतनी वेजेस आप उसको दे दोगे लेबर को, सिंपल है। तो एक अगर आपकी यूनिट अगर आपका एक जो मतलब एक यूनिट अगर 5 की है तो 10 यूनिट 50 की होगी, तो आप 50 रुपए किसको दे दोगे, लेबर को दे दोगे। तो ये हमारा एक लेबर को आपने वेजेस दी उसके मार्जिनल प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग, हमने क्या देखा कि उस मार्जिनल प्रोडक्ट की वैल्यू कितनी है, क्योंकि हम वेजेस तो रुपयों में देंगे। ठीक है, तो उसकी वैल्यू हम लोगों ने निकाली, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट जो क्योंकि प्राइस इनटू एमपीआई। और यही हमारा है पूरी थ्योरी के अंदर कि हम जब भी हम मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन की बात करेंगे हमारी जो वेजेस है वो वीएमपीएल के इक्वल होंगी। ठीक है, कैसे होंगी, क्यों होंगी, वो पूरा अब हम लोग डिटेल में देखेंगे। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का भी हम लोग इसके अंदर यूज करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हमारा ये वाला टॉपिक। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली इस टॉपिक के में हम अजम्पशंस को देखेंगे। ठीक है, तो इस थ्योरी की अगर हम अजम्पशंस की बात करें तो फर्स्ट अजम्पशन हमारी यहां पर हम लेके चलते हैं कि हमारे जो गुड मार्केट है, यानी कि जहां पर प्रोडक्ट बिक रहा है, यानी ये मार्कर अगर मैं बना रही हूं तो ये प्रोडक्ट जहां बिक रहा है यानी कि गुड मार्केट या प्रोडक्ट मार्केट, कमोडिटी मार्केट कुछ भी बोलो, और एंड फैक्टर मार्केट, फैक्टर
मार्केट मतलब जहां से हमें लेबर मिल रही है, ठीक है, हम लोग लेबर एम्प्लॉय करते हैं तो लेबर हम कहीं से तो लाते हैं ना, तो वो होती है फैक्टर मार्केट, जहां से हमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन मिल रहे हैं। तो गुड मार्केट और फैक्टर मार्केट दोनों के अंदर परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन गुड मार्केट एंड फैक्टर मार्केट। क्या है यहाँ पर? परफेक्ट कॉम्पिटिशन। तो देयर इज परफेक्ट कॉम्पिटिशन इन द गुड मार्केट एज वेल एज इन द फैक्टर मार्केट। दूसरा, अब आप लोगों को परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बेसिक नॉलेज से पता है कि परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, कि हमारी परफेक्ट कॉम्पिटिशन में बेसिकली क्या होता है कि हमारे जो एक फर्म है, ठीक है, उसको मार्केट से प्राइस मिलता है। फर्म जो है वो एक प्राइस टेकर होती है, ना कि प्राइस मेकर होती है। यानी फर्म अपनी मर्जी से प्राइस नहीं डिसाइड करेगी, मार्केट के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड होगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये एक जगह है, ठीक है, यहाँ पे छोटी छोटी 10 फर्म है, मान लो ये जितनी भी है ये फर्म है सारी, ठीक है, तो यहाँ इस मार्केट के अंदर कितनी डिमांड है और कितनी सप्लाई है, उस डिमांड और सप्लाई के अकॉर्डिंग प्राइस डिसाइड हो जाएगी। और ये जितनी भी फर्म है ना इस मार्केट के अंदर, ये सारी की सारी फर्म उसी प्राइस पे बेचेंगी जो कि मार्केट ने डिसाइड किया। इसलिए हम बोलते हैं कि जो प्राइस है वो इसके अंदर फिक्स होता है, ठीक है, हर फर्म के पास प्राइस फिक्स होता है, उस फर्म को उसी प्राइस पे बेचना होता है। तो बेसिकली हमारा क्या होता है यहाँ पर, तो गुड मार्केट में डिसाइड होता है प्राइस और फैक्टर मार्केट में डिसाइड होता है वेजेस। तो हमारी क्या होगा, प्राइस एंड वेजेस आर कॉन्स्टेंट। क्यों कॉन्स्टेंट है? क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है। तीसरा, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स टू मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर। यानी कि ये कहते हैं कि हमारी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है लेबर की, वो धीरे धीरे कम होने लगती है, ठीक है। जैसे कि हम लोग प्रोडक्शन वाला चैप्टर करते हैं तो हम बोलते हैं कि एक फिक्स फैक्टर है हमारे पास और एक वेरिएबल फैक्टर होता है। वेरिएबल फैक्टर कौन होता है? लेबर होती है। जब हम एक हमारे पास एक जमीन का टुकड़ा है, हम उस पर लेबर लगाते ही जाएंगे, लगाते ही जाएंगे, लगाते ही जाएंगे, तो स्टार्टिंग में तो हमारा प्रोडक्शन बहुत बढ़ेगा, ठीक है, लेकिन एक लिमिट है ना कि उस जमीन पे आप कितनी लेबर लगा सकते हो। आप लिमिट से ज्यादा इस पर लेबर लगा दोगे तो वो काम ही कहाँ करेंगे, खड़े होने की जगह नहीं बचेगी उस जमीन पे, काम कहाँ से करेंगे। तो हमारा क्या होता है, जब आप स्टार्टिंग में हम फैक्टर्स लगाते हैं, ठीक है, हमारी तो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, देन हमारी वो डिक्लाइन होनी शुरू हो जाती है, कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी यानी कि शुरू शुरू में तो प्रोडक्शन में वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करते हैं, जब आप जमीन के टुकड़े पे धीरे धीरे एक एक लेबर यूनिट की लगा लो, लेकिन एक लिमिट के बाद उनका प्रोडक्शन के अंदर कॉन्ट्रीब्यूशन कम होने लगता है और एक पॉइंट पे तो वो नेगेटिव भी चला जाता है। तो हम बेसिकली जब इस थ्योरी में मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर लेंगे तो हम उसको उसका डिमिनिशिंग पोर्शन लेंगे, ना कि उसका इंक्रीजिंग पोर्शन, ठीक है। हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीजिंग होता है, पहले बढ़ता है फिर डिक्रीज होता है, लेकिन हम इस थ्योरी में सिर्फ डिक्रीजिंग पोर्शन को लेके चलते हैं, ठीक है, क्योंकि इस थ्योरी की अजम्पशन है, ठीक है, अजम्पशन को तो हम लोग वायलेट नहीं करने वाले, राइट। देन उसके बाद हमारा क्या आएगा कि फर्म जो हमारी है यहां पर लेबर जो है, लेबर एंड कैपिटल आर टू फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। हमारे लेबर और कैपिटल दो फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। फिफ्थ, लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि आप लेबर को तो बढ़ा सकते हो, कम कर सकते हो, ठीक है, लेबर आप एम्प्लॉय ज्यादा कर सकते हो, कम कर सकते हो, लेकिन आप रातों रात एक जमीन नहीं खरीद सकते। तो आप कैपिटल जो है वो फिक्स है आपके पास, ठीक है, लेकिन लेबर वेरिएबल है, आप लेबर को लगा सकते हो, हटा सकते हो कभी भी कैसे भी, लेबर जो है वही सिर्फ एक वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सिक्स हमारा क्या होता है, फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग। फर्म क्या है हमारी, वो प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है। अब हमारी फर्म यहां पर क्या है, फर्म हमारी कैसी है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, ठीक है, फर्म हमारी क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, हमने यहां पर लिखा गुड मार्केट के अंदर हमारा क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है। तो जब हमारी फर्म प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कर रही है और फर्म जो है हमारी वो क्या है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो हमारा प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होता है, जहाँ MRMC के इक्वल आता है, ठीक है, ये तो हमारे परफेक्ट कॉम्पिटिशन की बेसिक नॉलेज है। अब आपको परफेक्ट कॉम्पिटिशन अगर नहीं आता तो एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट में देख सकते हैं, बाकी मैंने परफेक्ट कॉम्पिटिशन की अलग से प्लेलिस्ट भी बना रखी है, उसमें जाके आप पहले परफेक्ट कॉम्पिटिशन पढ़ सकते हो, ठीक है। तो MR हमारा MC के इक्वल होता है, ठीक है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन की हमारी बेसिक सी हमें जो शुरू से नॉलेज है उससे भी बता रहे हैं, तो MR हमारा MC के इक्वल होगा। अब MR होता है कि मार्जिनल रिवेन्यू कितना हो रहा है आपका। मार्जिनल रिवेन्यू होता है कि आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल की तो आपका जो टोटल रिवेन्यू में कितना चेंज है। जैसे कि मान लो
आपने 10 पैकेट चिप्स के बेचे, ठीक है, तो आपको 30 रुपीज मिले। जब आपने 11 पैकेट चिप्स के बेचे तो आपको से 32 रुपीज मिले। तो इसका मतलब क्या है, जब आपने एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल की तो आपका रिवेन्यू 2 रुपए से बढ़ा। तो चेंज इन टोटल रिवेन्यू बाय चेंज इन क्वांटिटी, ये होता है हमारा एमआर। यानी कि एक यूनिट एक्स्ट्रा सेल करने से आपके रिवेन्यू में कितना इंक्रीमेंट आया। मार्जिनल कॉस्ट क्या होती है, कि आपने एक यूनिट लेबर की एक्स्ट्रा लगाई, आपने एक यूनिट लेबर की एक्स्ट्रा लगाई, उससे आपकी कॉस्ट कितनी बढ़ी। ठीक है, आपका एक यूनिट एक्स्ट्रा लेबर लगाने से कॉस्ट के अंदर कितना चेंज आया। जैसे कि आपने एक जब 10 यूनिट लेबर लगाई तो आपकी से कॉस्ट आ रही है 50 रुपीज, आपने 11 यूनिट लगाई तो से आपकी कॉस्ट हो गई 60 रुपीज। तो इसमें क्या बदल गई, एक यूनिट लेबर जो लगाने से हमें 10 जो है रुपए की कॉस्ट आई। तो एक यूनिट एक्स्ट्रा लगाने से लेबर की आपको कॉस्ट कितनी एक्स्ट्रा पड़ेगी, दैट इज आवर मार्जिनल कॉस्ट। अब यहां पर एक चीज ध्यान देने की है कि मार्जिनल कॉस्ट हमारी ये है। देखो, अब दो चीजें यहां पे एक साथ काम कर रही है। कैसे, मार्जिनल कॉस्ट हमें समझ आ गया कि एक यूनिट की कॉस्ट और हमारी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है। एक यूनिट हमने एक्स्ट्रा, एक यूनिट लेबर एक्स्ट्रा लगाई तो उसके हमें कितनी कॉस्ट पड़ी। अब एक अगर आप लेबर लगा रहे हो तो जरूरी थोड़ी है कि वो एक लेबर आपका आउटपुट के अंदर एक ही यूनिट बनाए। देखो, लेकिन मान लो एक लेबर है, ठीक है, एक जो हमारी लेबर है वो 4 यूनिट का कंट्रीब्यूट कर रही है। यानी कि अगर आपने सुबह से रात तक या एक घंटे के लिए भी समझ लो, एक घंटे के लिए आपने लेबर को लगाया, ठीक है, एक घंटा आपने लेबर लगाया, एक घंटे में उस लेबर ने 4 प्रोडक्ट आपके लिए बना के रख दिए, ठीक है, और आपने उसको वेजेस दी एक घंटे की लेबर को 100 रुपए, 100 रुपीज। तो आपकी मार्जिनल कॉस्ट कितनी है, यानी कि एक यूनिट पे कितनी कॉस्ट आई। एक लेबर ने 4 यूनिट बना दी और एक लेबर को आपने 100 रुपए दिए, तो 100 रुपए आपने उसको दिए किस चीज के लिए, 4 यूनिट बनाने के लिए, ठीक है। तो एक यूनिट बनाने के लिए आपने आपने कितने रुपए उसको देने हैं, 25। तो एक यूनिट बनाने के लिए आपने कितने रुपए दिए, 25 रुपीज। तो ये हमारी क्या है, मार्जिनल कॉस्ट है। ये मार्जिनल कॉस्ट हमारी कैसे आई, एक लेबर 4 यूनिट दे रही है, यानी ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर है, ठीक है, और वेजेस है उसकी 100। तो हमारा क्या हुआ, MR इज इक्वल टू MC, हमारा किसके इक्वल आया, वेजेस अपॉन MPL, ठीक है। तो ये आ गया वेजेस अपॉन MPL, ये इधर मल्टीप्लाई होगा, MR इंटू MPL इज इक्वल टू W इज MR इंटू MPL। अब हम लोगों को पता है कि हमारा जो MR होता है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन मार्केट के अंदर, परफेक्ट कॉम्पिटिशन जब मार्केट होती है, हमारा MR और AR इक्वल होते हैं, MR इज इक्वल टू AR, तो W इज इक्वल टू AR इंटू MPL, और AR हमारा क्या होता है, प्राइस, W इज इक्वल टू प्राइस इंटू MPL, तो W इज इक्वल टू प्राइस इंटू MPL। तो हमारी फर्म का प्रॉफिट कहाँ मैक्सिमाइज होगा, जब वो वेजेस देगी प्राइस इंटू MPL के इक्वल। और अभी मैंने बताया था ये प्राइस इंटू MPL क्या है, ये क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, इतने हमने उसको रुपए दिए, तो ये क्या हो गया, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो हमारा ये क्या है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर। तो हमें क्या पता चला कि एक फर्म जो है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ करेगी, जहां पर उसकी जो है वेजेस है प्राइस इंटू MPL की इक्वल होगी। यानी कि जब वहां पर एक फर्म वेजेस VMP के इक्वल दे रही, परफेक्ट कॉम्पिटिशन हो जब दोनों ही मार्केट में, तो वहां पर हमारा क्या होगा, हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज होगा, ठीक है। तो इससे हमें पता चलता है कि एक वेजेस कितनी मिलती है एक लेबर को, जब दोनों ही मार्केट में परफेक्ट कॉम्पिटिशन होता है तो वो VMPL के इक्वल मिलती है, ठीक है। तो ये आप लोगों को ध्यान रखना कि जैसे ये आपने अजम्पशन लिखी फर्म इज प्रॉफिट मैक्सिमाइज, तो आपने ये यहाँ पर ये सिर्फ एक्सप्लेन करने का है, ये हमें एग्जाम में नहीं लिखना होता, ठीक है, ये आपको समझाने के लिए लिखा है मैंने। तो फर्म एक प्रॉफिट मैक्सिमाइज है, MR MC के इक्वल होगा, MR इज इक्वल टू MC किसके इक्वल होता है, W बाय MPL, ये इधर मल्टीप्लाई हुआ, MR इंटू MPL इज इक्वल टू W, W इज इक्वल टू MR इंटू MPL, MR हमारा AR के इक्वल होता है क्योंकि परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, W इज इक्वल टू P इंटू MPL, तो W इज इक्वल टू VMPL वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। हमारा फर्म का प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होगा, जहां पर हमारा W हमारा जो है वो प्राइस इंटू MPL के इक्वल होगा, ठीक है, यहां तक हमने किया।
अब हम इसका थोड़ा सा डिफरेंशिएशन का यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है, और इसको एक्सप्लेन करेंगे थोड़ा सा और। अब देखो मैंने यहाँ पर जब भी जो एक्सप्लेन किया वो हमारा क्या आया था, W इज इक्वल टू एम आर इंटू एम पी एल, फिर हमने लिखा W इज इक्वल टू ए आर इंटू एम पी एल, क्योंकि एम आर ए आर के इक्वल होता है परफेक्ट कॉम्बिनेशन में, तो W इज इक्वल टू प्राइस इंटू एम पी एल, और ये हमारा क्या हो गया W इज इक्वल टू वी वी एम पी एल, और ये जो होता है ना ये एम आर इंटू एम पी एल, इसको हम बोलते हैं एम आर पी एल, मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर, ठीक है। अब आपने यहां पे क्या देखा कि हमारी जो MRPL है दैट इज इक्वल टू VMPL, क्यों, क्योंकि MR इज इक्वल टू AR, सिंपल, ठीक है, क्योंकि MR ही हमारा प्राइस के इक्वल होता है, तो ये दोनों आपस में क्या है इक्वल है, तो हमारा जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर, किसके अंदर, परफेक्ट कंपटीशन मार्केट, और किसी मार्केट में नहीं होगा ये, ठीक है, और किसी मार्केट में VMP ज्यादा होगा MRP से, ठीक है, सिर्फ परफेक्ट कॉम्पिटिशन में MRP VMP के इक्वल होता है, ठीक है, एक चीज आपको ये भी ध्यान रखनी है, ठीक है। अब हम अगर इसको थोड़ा सा और डिफरेंशिएशन के टर्म्स में देखें, देखो एक फर्म है वो अपना प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर रहा है, फर्म का प्रॉफिट किस चीज का, प्रॉफिट को हम पाए से डिनोट करते हैं, प्रॉफिट हमारा किसके इक्वल होता है, देखो आप कोई भी सोचो सामान बेच रहे हो तो आपका प्रॉफिट किसके इक्वल होगा, पहला मान लो आप मार्कर बेचो, आपने ये मार्कर बेचा, ये मार्कर कितने रुपए का है मल्टीप्लाइड बाय कितने बेचे, मान लो आपने 10 मार्कर बेचे, एक मार्कर 10 का है, तो आपका आपके पास इनकम कितनी आई 100 रुपए, लेकिन ऐसा तो नहीं है वो 100 के 100 आपके हैं, आपने कुछ कॉस्ट भी लगाई होगी इस मार्कर को बनाने में, तो उस कॉस्ट को माइनस कर दो तो बच गया जो वो प्रॉफिट हो गया आपका, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट किसी चीज के इक्वल होगा, प्राइस इंटू क्वांटिटी, यानी कि कितने का वो प्रोडक्ट है मल्टीप्लाइड बाय कितनी क्वांटिटी, माइनस टोटल कॉस्ट। अब आपने कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं, दो, वन इज लेबर वन इज कैपिटल, तो प्राइस इज इक्वल टू प्राइस इनटू, सो प्रॉफिट इज इक्वल टू प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस टीसी टोटल कॉस्ट। कितने फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन लगाए हैं, दो, तो एक तो हमने लगाई लेबर और दूसरी हमने लगाई कैपिटल। अब लेबर को हमने कुछ दिया, क्या दिया, वेजेस, कैपिटल क्या लेती है, इंटरेस्ट, ठीक है। तो हमारा प्रॉफिट किसी चीज के इक्वल हो गया, प्राइस इनटू क्वांटिटी माइनस डब्ल्यू एल माइनस आर के। अब हमने यहां पर के को लिया था कॉन्स्टेंट, W भी कॉन्स्टेंट, R भी कॉन्स्टेंट, और इधर से हमारा P भी कॉन्स्टेंट, ये सब कॉन्स्टेंट है क्योंकि हमने अज्यूम किया था कि जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, फैक्टर मार्केट में हमारी क्या है, बिल्कुल फैक्टर मार्केट में हमारा क्या चल रहा है, परफेक्ट कॉम्पिटिशन है, तो वहां पे वेजेस कॉन्स्टेंट है, प्राइस कॉन्स्टेंट है, कैपिटल भी फैक्टर मार्केट से आई है वो भी कॉन्स्टेंट है, ठीक है, सॉरी कैपिटल का जो उसका लाइक उसका रिवॉर्ड है यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट वो भी कॉन्स्टेंट है, और कैपिटल भी कॉन्स्टेंट है, क्योंकि हमने एक और अजम्पशन ली थी कि लेबर इज द ओनली वेरिएबल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब हम लोग सिर्फ चेंज इसको कर रहे हैं एल को, तो इसको हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल, अब ये हमारा कॉन्स्टेंट है, यूं कहीं आ गया, ठीक है, इनटू क्वांटिटी, जब हम क्वांटिटी को डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू डेल क्यू बाय डी डेल एल, ये भी मैंने बताया कि एक यूनिट आपने जो है अपनी प्राइस इनटू क्वांटिटी, एक यूनिट अगर आपने अपनी लेबर को इंक्रीज किया तो आपका क्वांटिटी में कितना चेंज आया, तो वो हमारा किसके इक्वल होता है एमपीएल के अकॉर्डिंग, तो ये हमारा कितना हो जाएगा एमपीएल, ठीक है, ये हमारा किसके इक्वल होता है एमपीएल के अकॉर्डिंग, माइनस प्राइस हमारा यू क्यों, क्योंकि कॉन्स्टेंट है, माइनस डब्ल्यू, जैसे हम 5L है तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू एल तो हमारा आंसर कितना आएगा 5 आ जाएगा, कॉन्स्टेंट बाहर आ जाता है, तो यहाँ कॉन्स्टेंट क्या है W, तो W के W बाहर आ जाएगा, ठीक है। R भी कॉन्स्टेंट, जब हम 5 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो वो क्या आएगा 0 आएगा, क्योंकि वो कॉन्स्टेंट है, तो ये भी कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट इंटू कॉन्स्टेंट की मल्टीप्लाई इज ऑल्सो कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट का डिफरेंशिएशन इज 0, ठीक है। अभी आपको बेसिक रूल तो डिफरेंशिएशन के पता होने चाहिए, ठीक है। तो अब हमारा क्या हो गया एम पी एल इंटू पी इज इक्वल टू W, ठीक है, क्योंकि ये हमारा पूरा 0 के इक्वल होता है, जब हम डिफरेंशिएट प्रॉफिट मैक्सिमाइज करते हैं तो उसको 0 के इक्वल रखते हैं, तो ये हमारा किसके इक्वल है VMPL इज इक्वल टू W,
तो हमारा यहाँ से आ गया कि हमारा प्रॉफिट कब कितने कैसे मैक्सिमाइज हो रहा है, जहाँ हमारा WVMPL इक्वल आ रहा है वहां पर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज हो रहा है। और ये हमने डिफरेंशिएशन के थ्रू भी करके दिखा दिया, ठीक है। तो ये हमारा डिफरेंशिएशन के थ्रू भी हो गया। देखो ये थोड़ा सा टेक्निकल है, अगर आपको समझ आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज आपको थोड़ा सा डिफरेंशिएशन पढ़ो और फिर समझ आएगा, और अगर नहीं समझ आएगा तो ओनली ऑप्शन इज कि आप छोड़ सकते हो उसको, इतनी टेक्निकलिटीज में जाने की जरूरत नहीं है। जो हमने इससे पहले किया था MR=MC वो आप करके भी आ सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आपको समझ आता है तो वेल एंड गुड, आखिर अगर आप करोगे तो मार्क्स तो ज्यादा मिलेंगे ही, ठीक है। तो ये हम आप लोग जो है कर सकते हो। तो अब हमारा सिर्फ इसके अंदर रहता है डायग्राम, यहां हम लेंगे वेजेस, यहां हम लेंगे लेबर। ये मैंने क्या बताया था कि हम जब डिमिनिशिंग पोर्शन लेंगे MPL का, ठीक है, तो ये हमारा क्या VMPL या फिर MRPL, क्योंकि हम यहाँ किसकी बात कर रहे हैं, परफेक्ट कंपटीशन की। परफेक्ट कंपटीशन में दोनों आपस में इक्वल होंगे, VMPL = MRPL, क्यों, क्योंकि हमारा परफेक्ट कंपटीशन में AR = MR होता है और AR प्राइस होता है, तो प्राइस इंटू MPL इज इक्वल टू हमारा क्या होता है MR into MPL होता है, ठीक है। तो हमारी वेजेस कहाँ डिटरमाइन होंगी, यहाँ, तो ये हमारी होगी W वेजेस, ठीक है। तो हमारी वेजेस जो है वो कैसे डिटरमाइन हो रही है, VMPL के अकॉर्डिंग। अगर वेजेस बढ़ती है तो हमारी, अगर वेजेस हमारी इतनी है तो लेबर एम्प्लॉयड L स्टार है, अगर वेजेस हमारी बढ़ गई तो हमारी लेबर एम्प्लॉयड कितनी हो जाएगी, कम हो जाएगी, क्यों, क्योंकि देखो मान लो अगर वेजेस बढ़ गई, ठीक है, आप जैसे कि आपकी खुद की एक फॉर्म है, ठीक है, वहां पे आप लेबर को एक पर्टिकुलर अमाउंट दे रहे थे, लेकिन अगर आप लेबर कहे नहीं भाई हमें तो ज्यादा वेजेस चाहिए, हमें तो इंक्रीमेंट चाहिए, तो आप क्या लेबर को ले ऑफ करना शुरू कर दोगे, हटाना शुरू कर दोगे, लेबर को कम करना शुरू कर दोगे। जब वेजेस बढ़ेंगी तो आप लेबर को निकाल दोगे, कम कर दोगे, तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो लेबर की एम्प्लॉयमेंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जैसे ही वेजेस बढ़ेंगी लेबर कम हो जाएगी, तो हमारी जो वेजेस है, ठीक है, उनके थ्रू हमारा एल स्टार डिफाइन हो रहा है। या फिर हम इसको दूसरे पर्सपेक्टिव से देखें, अगर हमारा एल इतना है, अगर हमारी लेबर इतनी है तो हम उनको कितनी वेजेस देंगे, उनको इतनी वेजेस देंगे, ठीक है। तो अगर हम इतनी लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो इतनी वेजेस देंगे, तो कैसे डिसाइड हुआ, VMPL के अकॉर्डिंग। तो ये जो हमारा VMPL होता है, वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट होता है, ये हमारी क्या होती है, ये हमारी लेबर की जो है लेबर की डिमांड कर्व को शो करता है, ठीक है, हम कितनी लेबर की डिमांड करने वाले हैं। अगर हमारे इतनी वेजेस है तो हम इतनी लेबर की डिमांड करेंगे, इतनी वेजेस है तो हम इतनी लेबर की डिमांड करने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा कहता है VMPL कर्व जो है वो शो करता है, ठीक है। तो अब हमारा ये थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन का फर्स्ट पार्ट था, जिसमें हमने मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन किया। अब हमारे जो फिक्स्ड फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है, यानी कि जमीन है, तो ऐसा तो नहीं है कि हम जमीन के अंदर तो ये देख नहीं सकते कि एक यूनिट और जमीन फालतू लगाओ और देखो कि कितना हमारा प्रोडक्शन में चेंज आ रहा है, कितना रिवेन्यू में चेंज आ रहा है, ठीक है। हम कैपिटल जो हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है उनके साथ ये सब नहीं कर सकते, हमें उसके लिए एक नई थ्योरी की जरूरत पड़ी, जिसको हम बोलते हैं इकोनॉमिक रेंट की थ्योरी, ठीक है, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, वो भी हमारे थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ही इंक्लूड होती है, ठीक है, उसको नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। आज की वीडियो में हमने किया था मार्जिनल प्रोडक्ट थ्योरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ये UPSC वाले पर्सपेक्टिव से, जो इकोनॉमिक्स ऑप्शन का एग्जाम होता है हमारा, ठीक है, ये हमारी थ्योरी थी। सबसे पहले हम लोगों ने अजम्पशंस की, देन हम लोगों ने उसको प्रॉफिट मैक्सिमाइज कहाँ होगा वो किया, देन हम लोगों ने देखा कि डिफरेंशिएशन का यूज करके कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन कैसे होगा, एंड फाइनली हमें VMPL के थ्रू दिखा दिया कि VMPL हमारी लेबर की डिमांड कब होती है, वो हमें डिफाइन करती है कि एक पर्टिकुलर वेज पे कितनी लेबर जो है वो डिमांड होने वाली है, तो VMPL कर्व हमारा वो शो करता है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट थ्योरीज को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियोज के अंदर। सो टिल देन थैंक यू, और आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक करो, और रही बात अगर आपको रेफरेंस की तो ये टॉपिक कहाँ से करना है, तो आप इस टॉपिक के लिए एडवांस माइक्रो इकोनॉमिक्स बाय HL आहूजा को फॉलो कर सकते हो, ठीक है। UPSC इकोनॉमिक्स ऑप्शन के लिए मोस्टली वही बुक फॉलो होने वाली है, अगर कहीं पर कुछ अलग होगा तो आई विल टेल यू, ठीक है, तो आपको वही बुक फॉलो करनी है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय।